हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। अभी बैठे हैं हाय। शाम अच्छा के कठोर ताव, और हम चाह चार आदमी, चार को कुछ नहीं हो चु मिंटू मी और आशु और चिंटू। आज जाना छा हम कठोड़ोलनी च सप्ताह, आज छठो दिन च तवन बाल। हम तभी जान चाहिए पर गांव उतर बटे चार, हम चार तीन ऐथर चले गए, बस सिर्फ सात ही लोग जाने। और अभी हमें हम थोड़ा आराम करना चाह छैल में, लेकिन ताल बटा आना हम तो थक लग गया यार, पसीना धारा लगी ना। सप्ताह शुरू हो गया मथी, अभी टाइम होना चो 3:30, तब चल रहा छा भाई चलो शॉर्टकट उप, तब कुछ आप थपी दिखो कुछ सप्ताह थोड़ा बहुत थोड़ा कठोर गांधी कोला। अरे यू चु कठोरा खाल एक खड़गा डाल तो बहुत पुराना, और कभी हम राम लीला ऊंचा बहुत बढ़िया, आज से 10-15 साल पहले। अभी लोग भी नहीं करते ना कि गांव में प्लान हो गया, एक भी लोग ज़्यादा नहीं रहे, पहले तो भीड़ भड़ा का बहुत चा। आधा कठोर चुना जब सप्ताह होने वो तो पल्ले तरफ से बाद हम जोला। अरे हम बैठना हूँ बहुत अच्छे बढ़ेंगे, पहले नहीं चाहिए हम नॉर्मल से। अभी हम मीटिंग वोटिंग कराना हो बहुत बड़े बड़ा लोन चलेगी इन लोग। अरे खड़गा डाल बहुत पुराना खड़ा डाल दिया, बहुत पुराना ये कह रहे मिलन केंद्र बरात घर में, ये जो बरात घर कठड़ा या च ताल सड़क जो कांस के तो गई और एक मान चु गाँव को रास्ता। आजकल भी जाम गाड़ी है नहीं यू चु कठड़ गाँव ना तरफ पूरा साफ नहीं आने डालों को जैसे, लेकिन जत हो गया तो कोशिश कर लम। ये भागवत कथा होनी वो होनी चाहिए ना किनार पर है। गौतम दे दे यू चना दगो और समिण भर मत पिच चुको, बहुत बड़े पिच चुको और एक खैरलिंगा मंदिर एक खंबी कठोर में एक भी म्याला हूँ हर साल। और समिण भर च माता मंदिर ग्राम पोखरी बिच बहुत अभी नई हाल ही में बड़ी हुई बहुत नया मंदिर च मतलब अद्धा कठोर गांव एक हमें खाद हो गया। अभी रास्ता चले गया सीधा सड़क खुना समझनी पड़े सड़क जो अब चल हम श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में। जय राम जी के, सप्ताह में नहीं आना तुम? अच्छा बोड़ी राम राम, खूब छाऊ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बट
ਅਈ ਖੋਣੀ ਸਪਤਾ ਜੋ ਸਪਤਾ ਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਜੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੰਡਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਰਾਘਵ ਔਰ ਮਾਧਵ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾ ਅਕਰੂਰ ਜੀ ਹਮੇ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ ਹਮੇ ਬੁਲਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ ਹਮ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਂਗੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਔਰ और भक्त भी आना छा कोई अभी आना छन कोई है गाँव छन एक मकान निकम भी जर्जर अवस्था में बल्कि खत्म ही हो गया पुराने शैली के मकान च देख ला तुम मोर सिंगाड़ो एक पूरा डिजाइनदार छन और बहुत मजबूत बना ने तो हर गांव में इन मकान में मिलल तुम दा आसार कर ले जनमर ऋषि जी ये हर जगह पहुंच जाता ना जो साल जो पता है जीवन मकान क्या बोलो ना जो लोग ने टोक दिया मेरे काफी जो हमर जीवन में बस साल क्या दो 11 वर्ष हो गए बोलो ना पर लोग 12 वर्ष हो गए ये तो कह से क्या बता कोई ठीक है करा एक जीवन में बस आदू एक जीवन हमेशा हर्ष रहे करें बोलो ना अगले बेटा पर बच्चों को नहीं बोलूं इन्हीं बोलें कि 11 साल हो गए इस साल सोल हमारे कितने चल रहे हमारे के चल रहे बोलो ना बड़े कन कह तुम्हारा कन्हैया को गाली क्या दी जैसे एक थप्पड़ मारने लग गया अहंकारी धोबी उसी समय भगवान ने तुरंत उसको पकड़ करके एक थप्पड़ मारा और धोबी मामा को हरिओम तस्त कर दिया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो भाई पूछ लेगा भगवान ने जब मथुरा में प्रवेश किया तो सबसे पहले किसको मारा क्या बोलोगे है धोबी मामा को मारा ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए कहा हे ग्वाल बालों हे मधुमंगल हे सिद्धामा छांट लो जो कपड़े जिस पे अच्छे आ रहे हैं वो पहन लो मृत्यु और भोज पते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिना विष्णीनां परदेवते तिविदितो रंगम गता साग्रजा
संग का करके बाहा 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 संग का करके बाहा
कठुड़ गांव और बहुत फैली हुई अलग अलग बस गए अब लोग सामने पर श्रीमद भागवत कथा पंडाल और भीड़ काफ़ी चिख क्योंकि गांव काफ़ी बढ़ चु और फिर अगल बगल बढ़ चिख तो उजड़ गांव मुकाबला बहुत भीड़ चिख और एक जो ब्यास छ श्री चंद्र प्रकाश थपलियाल जी वो भी थपलियाल जी और उजड़ गांव भी थपलियाल जी तो बहुत अच्छी बात है थपलियाल बंद होना और काफ़ी अच्छे सप्ताह का नाचन हम तो आज पहले दिन है अच्छा आएगा और काफ़ी अच्छा लगन था आज हालात इन छे कि तो आप दिखना जा समय पर सारा पूड़ा बंदर पड़े इतना चौड़ा चौड़ा पूड़ा छे इतना अनाज हो जा कभी कि हद से ज़्यादा और आज सब पूरा बंजर पड़ा है हमारे इलाके में सबसे उपजाऊ गांव है कठुड़ गांव लेकिन अफसोस की बात है कि भी पलायन हो गया देखा देख प्याज हुए जो कठोर में बहुत बड़े प्याज हुए चलो 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 हम कोशिश करना चाहें कि भागवत कथा भी सुना और कठोर गांव तक कैप्चर भी करा लेकिन मैं पहली बार कठोर गांव वीडियो बनाने जाऊँ आज से पहले आना कि कोई खास मौका मिल लो छी तो उन भागवत कथा के माध्यम से जरा खा अखोड़ा डाला दिखा तुम एक अखोड़ा खेत सूर्य बटे कठोर में बहुत अच्छी होंगे पहले एक रुपये की चार दैन बिकान छाए बाद में एक रुपये की एक दैनी अब पता नहीं क्या बिकान छ नहीं बिकान देना समझ फल बहुत अच्छे हो अखोड़ा डाल तो ये भागवत कथा पंडाल बहुत सुंदर लगनी बेटा अखोड़ा लैंड दिला तुम कितना छोड़ बहुत बढ़िया अखोड़ा एक मिनट भी घर में रुकोगे 50 साल के बाद तो जरा समझ आ जाएगा कौन आ गया बोलो ना देखा बेटे कितना चलो मोटा और भीड़ बहुत अच्छी है और मौत का पिता का नाम है जरा समझ कौन है बोलो ना जरा माने रोग जरा माने बीमारी 51 वर्ष बेटी खुटी पड़े हो बैठ जाली थकाना आन लग जाली आज चारों तरफ बैठा माना टेंट वीडियो बनाया ले और बहुत अच्छा लगने के लगे बिल्कुल सारे पर टच है टेंट गाँव किनारे मचो घर बोलो नारायण नारायण नारायण
मन नारायण 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 Thank you.
रुक्मणी भैया थोड़ा शर्माओ मत, भगवान पहुंच गए आपके दरबार पे आपको लेने के लिए। बड़ी सुंदर माला, ब्राह्मण लोग मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो दंपति को, और अब सखी पुष्प माला लेकर के जय माला लेके आगे बढ़ रही हैं भगवती रुक्मणी। भगवान के समक्ष भगवान के सिर पे दर्शन कर रही हैं, और बड़ी सुंदर देखो सखिया माला पहना रही हैं, भगवान के मित्र देखो ब्राह्मण बन के आए हैं, बड़े सुंदर ब्राह्मण के ब्राह्मण है भगवान के मित्र। भगवान थोड़ा लंबे हैं भैया, रुक्मणी शर्मा रही है, भगवान जी माला पहनी है तो देखो झुक जाओ प्रभु, कब से माँ रुक्मणी याद कर रही है, बड़े सुंदर जय हो। Oh, my God.
यह जो सप्ताह गया खत्म और सब प्रसाद भी ले आ ली। आज एक ब्लॉग एक मैं कर रहा खत्म। बोलो श्रीमद् भागवत कथा पुराण की जय। वीडियो बड़ी बस लो ऐ थरन दिखना है थरन सदा पिसना लगा हमको देर होनी जरा रास्ता में जाम लगे हम क्योंकि वृद्ध लोग छन सीनियर सिटीजन तक हम लगा दरा ध्यान करा 8000 लगा दे आते है होने तो हम को बड़ा फंड गया तू मुंडा इना बड़ा सही रास्ता छ ना जा 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 हम तो जानदा ना बहुत बड़े बहुत अच्छा काम करनी है तू तैयार भी होने जानो देख ला तुम पैदल कदर ले लगी पता